तो दोस्तों स्नैपचैट पर लॉक कैसे लगाते हैं, यहाँ पर हम इसके बारे में जानेंगे। अगर आप भी स्नैपचैट पर ऐप को लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका होता है, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं होता। आप सेटिंग में जाकर इस ऐप को या फिर किसी भी ऐप को आप लॉक कर सकते हैं, ताकि जब भी आप उस ऐप को ओपन करें तो जो ऐप है उसमें आपका फिंगरप्रिंट या फिर जो पासवर्ड है उसको डालने की ज़रूरत हो, ताकि कोई भी वह पर्टिकुलर ऐप को ओपन ना कर पाए। तो सिंपली मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो स्नैपचैट ऐप है वो यहाँ पर ओपन है। तो अभी फ़िलहाल में यहाँ पर इसमें कोई भी लॉक नहीं लगा है। तो आपको इसमें लॉक लगाना है तो सिंपली आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाना होता है। तो यहाँ पर से हम बैक होते हैं और जो मोबाइल फ़ोन की सेटिंग होती है इसमें हम जाते हैं। तो मोबाइल फ़ोन में सेटिंग में जाने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमें ऐप्स का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे नीचे देखिए ऐप लॉक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू माइट बी लुकिंग फॉर ऐप लॉक। तो हाँ, इस पर हमें टैप कर देना है। अब इस पर टैप करने के बाद इस तरीके का जो इंटरफेस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जितने भी ऐप मैंने लॉक कर रखे हैं वो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखेंगे। अगर हमें यहाँ पर जो स्नैपचैट है इसको लॉक करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो बटन है इसको ऑन कर देना है, अभी ऑफ है, यहाँ से इसको ऑन कर देना है। तो इसके बाद जो आपका लॉक है वो चालू हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं, फ़ोटोज़ को, पावर डायरेक्टर को, या फिर कोई भी ऐप हो आपको इस तरीके से यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। जो भी आपका लॉक है जो आपने पहले डाल रखा है, चाहे फिर वो फिंगरप्रिंट हो या फिर पासवर्ड का हो, आप यहाँ से आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आसानी से आप लॉक लगा सकते हैं स्नैपचैट ऐप पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।